मंजू का भी सवाल ले लेते हैं, उदयपुर से हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। उदय नमस्कार मंजू जी, पूछिए अपना सवाल। नमस्ते मैडम, मेरे पास टाटा ग्लोबल है। ठीक है, किस प्राइस पर आपने लिया है? 126 पर आपने लिया है, अराउंड 1000 शेयर्स। और आपका नजरिया क्या है मंजू जी? ये शॉर्ट टर्म का ही है मैडम, मेरे को इसका स्टॉप लॉस और टारगेट बताइए। ठीक है, आपको राय दिलवा देते हैं। लोकेश, टाटा ग्लोबल 126 पर खरीदारी की है, फिलहाल 124.90 पर चल रहा है। टारगेट और स्टॉप लॉस जानना चाहते हैं, शॉर्ट टर्म का व्यू है। देखिए, जैसे कि आपका शॉर्ट टर्म व्यू है टाटा ग्लोबल पर, टाटा ग्लोबल के चार्ट पे साफ साफ इंडिकेट करता है कि इसके चार्ट पे लॉन्ग शोल्डर फॉर्मेशन बन रही है। लॉन्ग शोल्डर फॉर्मेशन का मतलब होता है कि स्टॉक जो है ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है। फिलहाल अपनी पोजीशन को होल्ड कीजिए, इट माइट टेक्स 5 to 10 days। यू कैन सी द टारगेट्स ऑफ 135 to 140 ऑन द अपसाइड, और यहाँ पे जो आपको स्टिक स्टॉप लॉस मेंटेन करना है वो 120 का ही मेंटेन करना है। तो फिलहाल अपनी पोजीशन को आप होल्ड कर सकते हैं। चलिए, राय आपको दी गई है, अगली क्वेरी ले लेते हैं। और अब अगला सवाल जो है हमारे पास एक SMS ले लेते हैं, मनापुरम फाइनेंस पर सवाल है गौरव का, राजस्थान से, और 100 शेयर इनके पास 29.55 रुपए के भाव पर। एक क्विक कमेंट ले लेते हैं विवेक का। विवेक, मनापुरम फाइनेंस एक स्ट्रांग परफॉर्मर रहा है और इनका जो बाइंग प्राइस है वो काफी अट्रैक्टिव लेवल्स पर है। 29 रुपए की इनकी खरीद है और जोरदार मुनाफा इनको हो रहा है, और बीते एक महीने में स्टॉक 40% चल भी चुका है। क्या करना चाहिए, मुनाफा बुक कर लें या फिर होल्ड रखें? Manapuram has seen a meteoric rise in last month or two. We have seen NBFC stocks being in the forefront in last couple of months. They have gained at the expense of PSU banks. इसमें position बनाए रखनी चाहिए, हमें लगता है 70 से 75 रुपए का potential है in near term. Absolutely. चलिए, यहाँ पर भी आपको राय मिल चुकी है।